इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होगी, लेकिन छक्कों की शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार शायद उनका ये आखिरी आईपीएल हो सकता है जहां पर वो बल्ले से आग उगलते नजर आए, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि जो भी टीम सामने आएगी उसके धागे खोल देने हैं। पहला मुकाबला गत विजेता यानी पिछले साल की विजेता टीम गुजरात टाइटन्स के बीच है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, जो कि 31 मार्च को खेला जाएगा। आईपीएल के अगले सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारी अभी से शुरू की गई है, खास तौर पर फैंस के चहेते और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आगामी आईपीएल सीजन के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। वे इस ग्रैंड लीग के पहले बैटिंग की जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। धोनी का अब एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह नो लुक सिक्स लगाते नजर आ रहे हैं। फैंस को धोनी का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है और आईपीएल के 16वें सीजन में इस बार महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आग उगलेगा। इसका कारण उनकी जमकर बैटिंग प्रैक्टिस है। खास तौर पर धोनी इस बार नेट्स में बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि थाला का बल्ला इस बार आईपीएल में विपक्षी टीमों के खिलाफ खूब गरजेगा। अब धोनी का हाल में एक वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो में धोनी नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस दौरान पहले तो उनका हेलीकॉप्टर शॉट हमें देखने को मिला, लेकिन अब नो लुक सिक्स लगाते नजर आ रहे हैं और जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, अब माना जा रहा है कि आईपीएल का 16वां संस्करण 2023 में उनका आखिरी आईपीएल होगा। धोनी ने पहले भी दिए अपने बयानों में साफ किया है कि वह आईपीएल में अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई के फैंस के सामने खेलना चाहेंगे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि वे सीजन के बाद क्रिकेट के सबसे बड़ी लीग को अलविदा कह देंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक धोनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, तो ये बयान ना भी आए तो हम तो यही चाहेंगे, लेकिन अब देखते हैं बयान क्या आता है और छक्कों की बरसात कैसे होती है। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।